पंजाब यूनिवर्सिटी के रैलियां का दौर है जिहड़ा हर एक पार्टी के वलों जिहड़ी रैली है वह की जा रही है और अपने कैंडीडेट के प्रचार के लिए जिहड़ा नौजवान ने वह पीयू दी सड़कों के उपर उतरे हुए ने तो भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा यूथ विंग है ABVP और माफ करना विद्यार्थी जथेबंदी ABVP दे वल्लों जिहड़ा ये रैली है वह की जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी दियां आउंदियां 6 तरीक नूं चोणां ने और 6 सितंबर नूं प्रधान वाइस प्रधान जनरल सैकटरी ते जॉइंट सैकटरी दे लई जिहड़े कैंडीडेट वह चुने जाणगे और उन्हां दे लई जिहड़ी जद्दोजहद है जिहड़ा ABVP का जिहड़ा ABVP ने जिहड़ा प्रेजिडेंट कैंडीडेट दे लई उम्मीदवार नूं उतारिया तां वह राकेश देशवाल है राकेश देशवाल नूं ABVP ने प्रधानगी दे कैंडीडेट दे लई उतारिया जिवें असीं पहलां तुहाडी मुलाकात कराई सी कि दिव्यांश ठाकुर जिहड़े CYSS दे प्रेजिडेंट कैंडीडेट ने और राकेश देशवाल जिहड़े ABVP दे जिहड़े प्रेजिडेंट कैंडीडेट ने और हमारा नेता कैसा हो, हमारा अध्यक्ष कैसा हो। ABVP के जेडे प्रधानगी उम्मीदवार राकेश देशवाल मेरे वाल ने की लगता जी तू कि जेडे इशू ने जो तुम आने तू नज़र आते हल करना चाहते हो। देखो जी पंजाब यूनिवर्सिटी पिछले साल जो काउंसिल बनी थी ना उतनी मतलब मिसबिहेवियर और मिस मैनेजमेंट के थ्रू चली थी वो, मतलब उन्होंने इनके फर्स्ट के जो हुए थे उसके अंदर सर इतनी छेड़छाड़ हुई है हमारी बहनों के साथ, इतने मामले आए, 1000 से ज़्यादा मामले आए इसके अंदर और आप देखो कि जो आउटसाइडर्स की एंट्री है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और पिछले 1 साल से 24/7 365 डेज में स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ, उनकी मैं आवाज़ बनाऊँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आवाज़ बनाऊँ। तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट से बच्चा है यहाँ पे, वो हमें समर्थन करने के लिए तैयार है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काउंसिल के अंदर आ रही है, मैं आपको भरोसा दिला दूँ, प्लीज़ एक मौका देना हमारे साथ जी। धन्यवाद। तो बारे सोशल मीडिया से एक जी कंपेन चल रही है वो भी लिखा जाता कहा जाता थोड़े बारे प्रचार है कि राकेश देशवाल एक किसान पुत्र है, किसान किसानों के लिए भी आवाज़ चकता रहा। हाँ जी मैं किसान आंदोलन के अंदर यूनिवर्सिटी ही नहीं होर भी आवाज़। हाँ जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से
नवंबर को जब किसान आंदोलन हरियाणा के अंदर शुरू हुआ था, तो मैं डे वन से अम्बाला से लेके दिल्ली तक मैं किसान आंदोलन में था। और जब तक हमारा ख़त्म हुआ, एक साल से ज़्यादा हमारा किसान आंदोलन चला, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा 14 शहादत हुई। उस शहादत में हमारे गांव के लोग भी थे, हमारे आसपास के लोग भी थे, और मैं उनका मतलब उनके साथ खड़ा हूँ, ये परिवार के साथ खड़ा हूँ। और जहाँ जहाँ किसान की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, वहाँ हमारा आगे जयसवाल मिले, वहाँ मेरे साथ मेरे सारे समर्थक मिलेंगे। तुसी संघ परिवार की जिहड़ी विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन ABVP है, ईवन BJP भी संघ परिवार की परिवार के नाल संबंध है ना। देखो जी, जो विचारधारा का मतलब ये होता है कि जैसे अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि स्टूडेंट्स के मुद्दों को सोल्व करना, तो हम उसके लिए तो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 365 डे स्टूडेंट्स के बीच में रहती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इशू आता है तो ABP ही की इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खड़ी मिलती है। और तुम विद्यार्थियों तो समाज तक ये नहीं देखा कि भावें BJP की सरकार है, तभी तुम भाई साहब, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज मैं कपड़े जो भी कुछ है, मैं सिर्फ किसान के बेटे की उससे हूँ जी। मेरी छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, इकोनॉमिक फैमिली है जी मेरी। और इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही ऐसा ऐसे समर्थन है जिन्होंने मेरे को मौका दिया है चुनाव लड़ने का। और इस बार सारी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चुनाव लड़ रहा है, मैं कल ना, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, लेकिन जो आवाज़ है वो पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने का हूँ। दो सवाल आपसे रह गए, मेरे आखिरी सवाल है ये दोनों। एक तो यह है कि ABVP को ये कहते हैं यूनिवर्सिटी के कि होस्टल 24/7 होए, तो ABVP शायद चौंदी नहीं सी कि भी होस्टल। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना के बाद ना 8-9-10 एंटी वुमेन द टैग। हां, मैं आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, 8-9-10 होस्टल ना जो साउथ कैंपस के अंदर, वो कोरोना के बाद बंद कर दिए गए थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहां पर टेस्ट करके उसको 24/7 काम कराने का प्रयास किया। और दूसरा मैं बता दूं, जैसे आप हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा है, जो फार्मेसी है उसको 24/7 करवाएंगे, और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के सेकंड थर्ड फ्लोर को भी 24/7 करवाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। तो ये सिर्फ भरम फैलाया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो 24/7 चाहते हैं कैंपस के अंदर एक्टिविटीज हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट फैलाया जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपके ऊपर, कुछ यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी और वो भी कहती है कि ABVP कहती है कि जो उन्हें कौंसल बन गई तो भगवा लहराया जाएगा, इस तरह का भगवा भगवा हमारा झंडे का रंग है जी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ लोगों के मन में भ्रम फैलाने का, गलत इंटेंशन को फैलाने का वो है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जीत के आती तो स्टूडेंट्स के बात करेगी, वो स्टूडेंट्स के मुद्दे को सोल्व करेगी, ना कि कुछ ऐसा कि मतलब बोला जा रहा है, वो बहुत गलत बोला जा रहा है। मैं इस चीज़ के समर्थन में नहीं हूँ कि आप भरम ना फैलाए। जो पिछले 3 साल से रनर अप रहरी और स्टूडेंट्स के बीच में 364 डेज काम कर रही है, उसको इस बार एक मौका देने का काम करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी आप आखिर में कहना चाहते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप 6 तारीख को वोट डालने जरूर आना, वोट डालने आओ तो ये जरूर देखना कि कौन सा कैंडिडेट पिछले 1 साल से कैंपस के अंदर एक्टिव था, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा रहा था। जो पिछले 8 कैंडिडेट हैं, जो दूसरे 8 कैंडिडेट हैं, वो कैंपस के अंदर कभी दिखे नहीं, वो सब डमी कैंडिडेट है, एक्सीडेंटल कैंडिडेट। कई कैंडिडेट तो ऐसे जिन लोगों के नॉमिनेशन नहीं हुए तो उन्होंने मजबूरी में नॉमिनेशन भरने पड़े, अरे वो चुनाव लड़ रहे, तो देखो वो कैसे लोगों की आवाज़ बढ़ेंगे। थैंक यू बहुत। राकेश देशवाल कहते कि मैं किसानों का पोता, किसान अंदोलन के भी भूमिका निभाई है, और उन्होंने कहना है कि जिहड़ा जिहड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हों ही कैंपस के विद्यार्थी आ जोड़े वो चिन्ह चुनन। और दूजिया के वाल इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारिया पार्टियों के वालों डमी कैंडिडेट आ जोड़े वो उतारे जाते हैं, पर जोड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट आनू मौका नहीं दिता जाता। तो ये ABVP जोड़ा ABVP की जी रैली है, यदि तस्वीर जी हम अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो।